सो गाइस आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक नई साइड की तरफ। दोस्तों कुछ फैक्ट्री होती हैं जो किराए पे किराएदार रहते हैं, जो रेंटेड होते हैं, वो बोलते हैं हमें इतना पैसा नहीं लगाना, हमारा 2-4 साल 5 साल एग्रीमेंट है, उसके बाद लैंडलॉर्ड कभी भी खाली करा सकता है। तो हमने काफ़ी लाइट वेट शेड, कम खर्चे का, बिल्कुल लो प्राइस में शेड लेकर आए एक। तो कैमरामैन जैसे ही आगे की तरफ दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम ये शेड 62 फीट 62 फुट लंबा और 38 फुट चौड़ा शेड बनाने जा रहे हैं और तकरीबन 15 फुट इसकी हाइट रहेगी और बीच में कोई पिलर विलर स्पॉट कुछ नहीं है, सिंगल ट्रस्ट बनाएंगे। और सो गाइज फाइनली अनकम्प्लीट है जैसे कैमरामैन अभी दिखाएंगे। दोस्तों हमारे पिलर रेडी हो चुके हैं और फ्रंट और बैक की हमारी पर्लिंग लग चुकी हैं और हमारी जो है कल संडे का दिन था, कल हमारी ट्रस्ट भी ऊपर लड़कों ने लगा दी है और जैसे ही ये सो गाइज फाइनली जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। कुछ कैमरामैन अंदर की तरफ आएंगे। दोस्तों लगभग हमारा स्ट्रक्चर पूरा फाइनल है और हमने भी इसमें लेफ्ट साइड में एक डोर भी बनाया है जैसे कैमरामैन दिखाएंगे। तो गाइज फाइनली हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था और हमारी रूफिंग शीट भी आ गई है जैसे कैमरामैन मेरे बैक में दिखाएंगे आपको। दोस्तों शीट अभी ऊपर जा रही है। तो गाइज हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका था, अभी हमने रूफिंग शीट लगानी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों अभी आपको मेरे हाथ में इंस्टॉलेशन शीट दिख रही है। तो गाइज ये हीट इंस्टॉलेशन शीट होती है, एल्युमिनियम फॉइल, ये शेड के अंदर हम लगाते हैं रूफ में। तो गाइज जैसे ही आपको मैं अपने शेड के अंदर की तरफ से दिखाऊंगा, जैसे कैमरामैन मेरे राइट से पूरा शेड घुमाएंगे। दोस्तों अभी हम रूफिंग शीट लगानी स्टार्ट कर रहे हैं और इस शेड के अंदर हम जो अपनी एयर बबल हीट इंसुलेशन शीट भी दोस्तों लगा रहे हैं साथ के साथ। तो ये जो इंसुलेशन हम शीट लगा रहे हैं इससे अंदर गर्मी, दोस्तों इनका सिलाई मशीन का काम है, एक्सपोर्ट का बाहर का काम है इनका, तो ये पूरे में अंदर सेटअप लगेगा, लेबर कम से कम 100-150 लेबर काम करेगी, गर्मी में जो लेबर काम करने में दिक्कत ना आए इसलिए हम साथ अपने इंस्टॉलेशन शीट भी लगा रहे हैं। सो गाइज फाइनली हमारा शेड तैयार हो गया है जैसे कैमरा मेरे बैक में दिखाएंगे। दोस्तों पूरा शेड हमारा तैयार हो चुका है और हमने इसमें 10 फीट बाई 10 फीट की एक एंट्री भी दी है, जैसे ही कोई इनको हाइड्रा की सहायता से कोई सामान कोई मशीन वगैरह अंदर लानी हो तो ये बड़े गेट से अंदर सामान ला सकते हैं। तो आइए मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ। सो गाइज हमने अपने शेड में एक बड़ा एंट्री दी है 10 फीट बाई 10 फीट की। तो दोस्तों हमने इसमें एक छोटी एंट्री भी दी है 6 फीट बाई 3 फीट की। तो जैसे ही हमारे कारीगर आपको बड़ा गेट खोल के दिखाएंगे। दोस्तों ये बड़ा गेट हमने इसलिए दिया है कोई भी इनकी बड़ी मशीन हो कोई बड़ा सामान हो ये यहाँ से हम अंदर एंट्री कर सके, छोटा गेट भी है और साथ बड़ा गेट भी है। सो जैसे ही मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे दोस्तों हमने इसमें विंडो दी है 3 पीस विंडो और ऊपर की तरफ हमने देखेंगे विंडो के ऊपर एक हमने एसी के लिए कट भी दिया है और क्योंकि ये इसमें एसी या कूलर कुछ भी अपना सेट कर सकते हैं डक्टिंग के सहारे। और जैसे ही कैमरामैन पूरा शेड दिखाएंगे कुछ पीछे की तरफ जाके। सो गाइस ये देखिए पूरा शेड, दोस्तों हमारा पूरा शेड रेडी हो चुका है, पूरा क्लियर होल है। दोस्तों ऊपर इंसुलेशन शीट भी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कुछ जूम करके। दोस्तों पूरे में हमने एयर बबल इंसुलेशन शीट लगाई है, मेरे राइट में 3 विंडो दी हैं और फ्रंट साइड में एक बड़ा गेट दिया है। दोस्तों ये प्रॉपर शेड पूरा तैयार है, फुल फिनिश है और साथ ही साथ हमने एक जैसे कैमरामैन मेरे पास कुछ नजदीक आएंगे मैं आपको एक लेफ्ट साइड में एक
आपको सर्कल दिखाऊंगा, इसमें एग्जॉस्ट फैन की हमने कटिंग दी है और साथ ही साथ दो हमने फ्रेमिंग भी की है। फ्यूचर में इनको एग्जॉस्ट फैन लगाना हो तो ये लगा सकते हैं। दोस्तों कैमरामैन कुछ पूरा शेड आपको चारों साइड से घुमा के दिखाएंगे। सो गाइज काफी सुंदर और काफी बहुत ही बेहतरीन हमने शेड बनाया है। सो दोस्तों आपको ऐसा शेड बनवाने के लिए शौकीन रूफिंग इंडिया से संपर्क करें। सो गाइज मैं अभी अपने टॉप रूफ की तरफ आया हूँ, छत की तरफ, जैसे ही कैमरामैन पूरा शेड आपको दिखाएंगे। सो गाइज हमारा पूरा शेड रेडी हो चुका है, ये हमारी रूफ की तरफ की पूरी शीट है और ये पूरा आप छत के प्रॉपर पूरा शेड देखेंगे।